देखिए इस प्रकार का जो बयान अगर शिक्षा मंत्री देते हैं तो प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं और अपने देश में आप जानते हैं कि बहुत सारे धर्म हैं और सभी धर्मों का अपना एक इतिहास है, और ये तो दुनिया में लोग जानते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, तो बहुत ही प्राचीन है और आज से नहीं सदियों से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा, क्योंकि सामाजिक मर्यादा के जितने मापदंड उसको उन्होंने पूरा किया, एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में और एक राजा के रूप में, जो राम राज्य की उन्होंने स्थापना की, जो राम राज्य की परिकल्पना जो लोग करते हैं उसको जमीन पर उतारा, तो वो सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरे दुनिया में वो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध ही नहीं है, जाने जाते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। और शिक्षा मंत्री जो कहते हैं भाई जिनका वो नाम ले रहे हैं वो भी एक धर्म के संस्थापक हैं और हम लोग सबका सम्मान करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जरा दूसरे धर्म के जो लोग मानने वाले हैं उनकी भावनाओं का ख्याल रखना और इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से क्या कहूँ जी, इसका तो मतलब यही है कि कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में नहीं रहा है और जिनका जो मन में आता है जो बयान देना होता है वो तथ्य से परे है, इतिहास से परे है और उसका क्या जो है प्रभाव समाज पर पड़ेगा इस प्रकार के बयान देने से, वो कोई अच्छा काम नहीं करते।